mistake. It's not possible. It's injustice. साला ये साइलेंसर इतना चिल्ला क्यों रहा है यार? सेकंड आया साला, फर्स्ट कौन आया? इंडिया। अरे कहना क्या चाहते हो? जो ये हंगर इंडेक्स आए हैं, भूखमरी का रिपोर्ट आए हैं कि कितना इंडिया में कितना भूखा लोग है, कितना ज्यादा, कितना करोड़। मस्त प्लान है। दुनिया के टॉप के 121 में 107 नंबर पे दे दिए 107। शुरू में तो भाई साहब हम उल्टा ले लिए बात को। हम तो भाई साहब लड्डू लेने निकल ले थे। हम तो मोदी जी का वो थैंक यू मोदी जी वो करने वाले थे, छपवाने वाले थे फ्लैक्स का। वो तो संतोष मैसेज करके बताए अच्छा चीज नहीं हुए, नीचे से टाप है नीचे से। अच्छा अब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत है कंफ्यूजन है और यह टेंशन रहती है ससुरी। अब देखिए ना, बीते शनिवार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति को देखने के बाद लोगों ने जम के सरकार पे सवाल खड़े किए, तो मोदी सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि यह सिर्फ भारत को बदनाम करने की साजिश है। गरीब पीस रहा है और खुले आम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। पहले ये होता था, जनता सब कुछ अपना आँख से देख चुकी। मैं नहीं मानता। अरे अभी से तो यूपी की इस जबरदस्त स्वास्थ्य व्यवस्था पे एक यूजर लिखती है, यूपी के मिर्जापुर में गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर ठेले पे बच्चे को जन्म दिया। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुनकर। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। किसी के माई के लाल पे हिम्मत है? ज्यादा बकवास मत कर, सर पर दो चार बचे हैं ना वो भी उखाड़ दूंगा। कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी है तो काम ठीक है जैसा चल रहा है। तो इस बीच एंट्री होती है मनोज तिवारी का। वो कैसे पिक्चर आएंगे भाई? लिखते हैं, अनाज की किल्लत से उनके देश में कोई भूख से न मरे इसलिए भारत से अनाज की मदद ली और वो इंडेक्स में हमसे आगे। कैसे भैया जी? भारत सरकार ने अपने देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना के चलते पिछले 2.5 साल से मुफ्त राशन दिया, तो भला ग्लोबल इंडेक्स में पीछे कैसे? इस प्रणाली पर प्रश्न तो उठेगा, एकदम उठाइए। लेकिन इसके बाद लोगों ने भी जम के फिरकी लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसी पर सुरेश कुमार लिखता है, इंडेक्स हंगर जैसे टॉपिक तुम्हारे बस की बात नहीं है रिंजा के अबू, आप गाय और गोबर की बात करो। अच्छा हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का लिस्टवा भी सामने आया है, जरा देख लीजिए। चीन है, उसके बाद म्यांमार 71वें स्थान पे, नेपाल 81 पे, बांग्लादेश 84 पे, पाकिस्तान 99 पे और हमारा भारत 107 पे। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।